हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एमपी मंडल, आज मैं लेमन ग्रास के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेमन ग्रास बोटनिकल नेम सिम्बोपोगन फ्लेक्स फ्लेक्स ओसस। इसका फैमिली पोएसी, इंग्लिश नेम लेमन ग्रास। लेमन ग्रास करीब 2 मीटर ऊंचा होता है और यह धान के पौधा की तरह ही होता है और धान के पौधा की तरह ही होता है और यह क्या है, पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल एरोमेटिक प्लांट है। इसकी खेती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की जाती है। साथ साथ विश्व में भारत के अलावे ग्वाटेमाला में इसकी खेती की जाती है, ब्राजील में खेती की जाती है, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं हैती देश में इसकी खेती की जाती है। इसमें लेमन ग्रास में एल्कलॉइड जो है एल्केलॉइड सिट्राल पाया जाता है, सिट्राल। इसमें 80 से 90% सिट्राल पाया जाता है। ये एल्कलॉइड है जिसको हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। सिट्राल को जब हम संश्लेषित करते हैं तो अल्फा आयनन और बीटा आयनन तैयार होता है। बीटा आयनन से विटामिन, बीटा आयनन का को संश्लेषित करने के बाद विटामिन ए तैयार की जाती है। इसके अलावे जो गंध द्रव्य बच जाता है उससे हम साबुन तैयार करते हैं, अगरबत्ती तैयार करते हैं, साथ साथ कॉस्मेटिक का सामान तैयार करते हैं। बिहार में या भारत देश में सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस का ही खेती हो रही है। अब जैसे एक और लकी इसमें स्पेसिस है, उसका नाम है सिम्बोपोगन सीट ट्रेटस। इसका इंग्लिश नेम है वेस्ट लेमन ग्रास। और एक और स्पेसिस है सिम्बोपोगन पेंडुलस। ये जम्मू एवं कश्मीर में
इसकी खेती होती है। तो ऐसी खेती जो है सबसे अच्छा उपज जो है इसका उपज बिहार में या भारत देश बिहार में सबसे ज्यादा उपज इसी का है, फ्लेक्सवस का। इसका इसमें जो वैरायटी है वैरायटी में है, पहला है उनीमा, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है सीम शिखर। इसका उपज है 250 से 260 केजी ऑयल पर हेक्टेयर। इसका यील्ड है 230 से 260 केजी ऑयल प्रति हेक्टेयर। इसका यील्ड है 280 केजी ऑयल प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा जो वैरायटी है ये मेन वैरायटी ये है, अभी हाल ही में सिम शिखर वैरायटी रिलीज हुई है। फिर है वैरायटी है परमान, चिरहरित, चिरहरित CKP25ETC। इसका सॉइल जो कैसा होना चाहिए, और टाइप ऑफ सॉइल, लेकिन सैंडी लोम एंड क्ले सॉइल इज फेवरेबल। पीएच मैक्सिमम जो इसमें मैक्सिमम जो पीएच इसका सॉइल का जो पीएच है 9 पर भी आप 9 पीएच पर भी इसकी खेती आप कर सकते हैं। 9 पीएच पर भी इसकी खेती आप कर सकते हैं। इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट ह्यूमिड एंड हॉट। इसकी क्लाइमेट खेती कैसी होना चाहिए, क्लाइमेट ह्यूमिड एंड हॉट होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ लैंड, 2 या 3 गहराई जोताई, ट्रैक्टर से 2 या 3 गहरी जोताई करना है, और
जुताई के समय ही फॉस्फेट का फुल डोज, पोटास का फुल डोज, साथ साथ FYM का फुल डोज आपको मिट्टी में मिला देना है। प्रोपागेशन बाय सीड एंड स्लिप्स। देखिए, प्रोपागेशन सीड के द्वारा भी हम करते हैं और स्लिप्स के द्वारा भी करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब स्लिप्स जैसे है मेरा प्लांट, मतलब एक साल का प्लांट है, जैसे ये हुआ ये हुआ प्लांट हुआ मेरा, ये लेमन ग्रास का ये प्लांट है। आप लेमन ग्रास का प्लांट आप देखिए, यही लेमन ग्रास का प्लांट है और इसका स्लिप देखिए, इसी लेमन ग्रास का जो ये जो है ये स्लिप आप देख लीजिए, स्लिप। अब देखिए ये स्लिप हुआ, इसको क्या कहते हैं हम, क्लंप। क्लंप्स में क्या हुआ, इसी में एक ही में ये पूरे जो भी जितना भी स्लिप है एक साथ इसको है। अब इस क्लंप में है, जब हम एक स्लिप इससे निकालते हैं, इसे एक स्लिप जैसे निकालते हैं, एक स्लिप तो यही हुआ मेरा, मतलब कि एक स्लिप। इसको क्या करते हैं, जब इससे एक स्लिप निकालते हैं तो यहां से हम इसको काट देते हैं, काट कर जो भाग बचता है इसी को हम लगाते हैं। अब इसमें अगर जड़ बड़ा होता है तो यहां से हम इसको कटिंग कर देते हैं, इस जड़ को हम फेंक देते हैं। अब देखिए इसका जो है अब स्पेसिंग, स्पेसिंग जो है 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर एक स्पेसिंग ई है। अगर फर्टाइल जमीन है तो आप ये जो है लो फर्टाइल में ई होगा और दूसरा फर्टाइल जमीन में इसको 60 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर पर लगाना है और लो फर्टाइल पर इसको लगाना है। यही है दो स्पेसिंग हम रखते हैं। अब क्या होता है, प्लांटिंग हम कब करते हैं, प्लांटिंग जुलाई अगस्त में करते हैं। और दूसरा है फरवरी मार्च में भी इसका प्लांटिंग करते हैं। अगर सिंचाई की सुविधा अगर होती है तो क्या होता है, हम फरवरी मार्च में करते हैं। तो फरवरी मार्च में अगर प्लांटिंग करते हैं तो पहला साल मतलब कि 20% ज्यादा उपज मिलती है। तो ये हो गया आपका प्लांटिंग। अब क्या करते हैं, ये तो प्लांटिंग, अब प्लांटिंग हम कब, प्लांटिंग इसी जुलाई अगस्त में करते हैं। अब देखिए प्लांटिंग आपका हो गया, प्लांटिंग कर दिया। अब देखिए इसकी जो दूरी है,
ये रो टू रो हुआ 45 सेंटीमीटर हुआ, नहीं ये रो टू रो 60 सेंटीमीटर हुआ, साठ सेंटीमीटर। और यहां जो प्लांट लगाएंगे ये हुआ 45 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट जो है 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लगाते हैं। लगा दिए, लगा दिए। अब क्या होता है तो इसमें क्या होता है, अब इसी जो जब तैयार करते हैं इसका मैं फर्टिलाइजर डोज जो है हम कितना देते हैं 150 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी P2O5 एंड 40 केजी K2O पर हेक्टेयर। देखिए यही जो है जब जब ब्लेंड की प्रिपरेशन करते हैं उस समय ये पूरा डोज आपको देना है ब्लेंड प्रिपरेशन के समय। और इसमें जो है एक तिहाई आपको नाइट्रोजन भी देना है। अब आपका इस तैयार हो गया, इसमें आपका पौधा लग गया। पौधा लगाने के बाद अब क्या है, इस पौधा लगाने के बाद इंटरकल्चरिंग करते हैं, इंटरकल्चरिंग करते हैं। तो इंटरकल्चरिंग में तो क्या करते हैं हम, इंटरकल्चरिंग में के मल्च करते हैं, सॉइल को मल्चिंग करते हैं। कैसे करते हैं कि जब हम लेमन ग्रास का जो कि डिस्टिलेशन किए थे उस समय जो एक्सट्रैक्ट रेसिड्यू जो निकला था उसको क्या करते हैं इसमें बिछा देते हैं, इसमें जो है उसको मल्चिंग कर देते हैं, इसको मल्चिंग कर देते हैं इसमें। और यहां तो प्लांट लगा हुआ है, मल्चिंग कर देता है। मल्चिंग करने के बाद क्या होता है कि घास आपका नहीं आएगा और क्या हुआ कि वाटर को भी था एब्जॉर्ब लगे उसमें एब्जॉर्ब करके रखता है। दूसरा है इंटरकल्चरिंग में हैंड होइंग किया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, करीब 35 से 40 दिन के बाद आप हाथ से पूरा घास को साफ करवा देते हैं। घास साफ करवाने से, घास को निकालने से क्या फायदा होगी प्लांट को कि एरेशन होगा। एरेशन से क्या होगा, आपका एरेशन जैसे ही होगा तो प्लांट का जो ग्रोथ काफी तेजी से होगा। दूसरा है, अब जैसे कि ये हो गया इंटरकल्चरिंग में, दूसरा है कि वीडी साइड डाई यूरोन क्या करते हैं, डेढ़ केजी पर हेक्टेयर क्या करते हैं घास में हम डाल देते हैं। जहां जहां घास होता है ना तो इस ढाई केजी पर हेक्टेयर की दर से डालते हैं। इसको क्या करते हैं कि डेढ़ केजी जो डायरोन है इसको राख में या मिट्टी भुरभुरा मिट्टी में या बालू में मिलाकर हम पूरा घास जहां जहां घास जमा हुआ है उसमें हम डाल देते हैं, मेरा घास पूरा मर जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे इंसेक्ट और पेस्ट इस प्लांट में नहीं लगता है, इसमें इंसेक्ट और पेस्ट नहीं लगता है। इरिगेशन
देखिए ऐसे भी लेमन ग्रास का जब आप खेती करते हैं तो जब ये एस्टेब्लिश कर जाता है पौधा, तो क्या होता है कि इसको जब एस्टेब्लिश करने के बाद इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो उस समय हम क्या करते हैं, पानी की बहुत कम आवश्यकता है उसके बाद भी कहे कि हमको काफी प्रॉफिट लेना है, बेनिफिट लेना है इसकी खेती करके, तो ज्यादा वाइल्ड परसेंटेज ज्यादा लेना है, तो क्या करते हैं हम इसमें कम से कम साल भर में 10 से 12 इरिगेशन देते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान में देना है कि इसमें जब कोई भी वाइल्ड सीड क्रॉप होता है उसमें सल्फर का उपयोग जरूर करेंगे, तो सल्फर में जैसे कि SSP सिंगल सुपर फास्फेट, फास्फेट का जरूर करें। इसमें क्या होता है सल्फर क्या होता है 16% इसमें पाया जाता है। ये क्या करेगा सल्फर क्या होगा प्लांट में वाइल्ड को बढ़ा देगा, सल्फर क्या करेगा वाइल्ड को परसेंटेज बढ़ा देगा, या नहीं तो सिर्फ सल्फर ही मिलता है तो उसको सल्फर जो है सल्फर सिर्फ सल्फर ही मिलता है उसको क्या करते हैं 25 kg पर हेक्टेयर हम उस सल्फर का यूज करते हैं, तो क्या होता है कि मेरा वाइल का परसेंटेज बढ़ जाता है। अब क्या है कि इसका जो हार्वेस्टिंग जो करेंगे फर्स्ट हार्वेस्टिंग नब्बे से 100 दिन पर करेंगे, 90 से 100 दिन पर करेंगे। अब क्या करते हैं अब ये हार्वेस्टिंग हमें 90 से 100 दिन है, अब डिस्टिलेशन 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 में क्या करते हैं फील्ड फील्ड डिस्टिलेशन करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं फर्स्ट अब जब हार्वेस्टिंग आप करते हैं तो उस समय मतलब कि उस समय भी आपको देखना है कि हार्वेस्टिंग के पहले सोचना है कि वायुमंडल दम साफ हो, धूप उगा हुआ हो, बादल नहीं हो, मतलब कि इस तरह से कुहासा नहीं हो, इसको देखना है। और उसके बाद करीब सुबह के समय आप इसका हार्वेस्टिंग कर देते हैं 90 दिन या 100 दिन के बाद कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दिन भर उसको धूप में ही सूखने देते हैं, जिससे क्या होगा लीफ का मॉइस्चर क्या होता है मॉइस्चर समाप्त हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं शाम के समय क्या करते हैं फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट, ये है फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट में उसको वहां से लाकर इसको क्या करते हैं यहां पर फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट में इसको हम क्या करते हैं इसको डाल देते हैं लाकर डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं उसको एयर टाइट कर देते हैं, एयर टाइट करने के बाद मतलब कि भट्टी में आग लगा देते हैं, आग लगाने के बाद 2 से 3 घंटा में पूरा वायल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब वायल का कितना होता है वायल यील्ड कितना होता है वायल पर वायल 250 kg पर हेक्टेयर वायल आपका तैयार होता है। लेमन ग्रास की जब हम खेती करते हैं तो उसके औषधीय गुण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर औषधीय गुणों से आप उसका जानकारी रखते हैं
तो क्या होता है, आपको वाइल का या उसके लीफ का बिक्री करने में कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके लीफ में लेमन ग्रास के जो पत्ती होता है, पत्ती जो होता है उसमें, उसके लीफ में क्या पाया जाता है, जैसे विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, फोलेट पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पोटासियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है एंड मैंगनीज पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, ये पाया जाता है। अब देखिए कि आप ये तो पाया जाता है, इसमें इसका चाय आपको बनाना है, लेमन लेमन टी बनाना है, इसके पत्तियों का क्या है, लेमन टी बनाना है। आप इसका चूर्ण बना लीजिए, एक चम्मच लेमन ग्रास के पत्तियों का चूर्ण एक चम्मच एक कप चाय में आप डाल दीजिए, उसको 10 मिनट उबालिए, तो एक कप आपका चाय तैयार हो गया। और उसको स्वाद बढ़ाने के लिए आप उसमें शहद या आदि मिला सकते हैं। अब इस चाय को पीने से क्या क्या फायदा है, इसमें फायदा क्या है, इसके बीमारी कौन कौन दूर करती है लेमन पीने से, पहला था अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, दूसरा कैंसर, तीसरा इन्फ्लुएंजा, एंजा, चौथा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा स्किन डिजीज, छठा डिप्रेशन, एनामिया। अब देखिए इसमें क्या है, ये लेमन ग्रास में जो है, इसकी पत्तियों में जो है गुण क्या क्या पाया जाता है, क्या है कि ये है एंटी बैक्टीरियल, इसमें गुण पाया जाता है, कैंसर विरोधी भी पाया जाता है, एंटी फंगल भी पाया जाता है इसमें गुण, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी पाया जाता है, पेन रिलीविंग भी पाया जाता है, एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है। अब देखिए जैसे अर्थराइटिस है, तो ये क्या है, इसमें जो है अर्थराइटिस में क्या होता है कि आपका ये जो है पेन रिलीविंग प्लांट है, अगर आप चाय पीते हैं तो क्या होगा कि आप ये जो दर्द, कहीं भी जोड़ में दर्द है उसको ये ठीक करेगा, तो पेन रिलीविंग इसमें गुण पाया जाता है और सूजन को भी दूर करेगा। अब देखिए इसमें एक और है, इंक्रीज मेमोरी पावर, इंक्रीज पावर। अब देखिए और निद्रा है, जैसे अर्थराइटिस हो गया, कैंसर है, इसमें कैंसर में क्या होता है कि जैसे सिस्ट बनता है मांसपेशी में, कहीं सिस्ट बनता है तो
सिस्ट बनने के बाद क्या होता है, जब आप लेमन का आप टी पीते हैं तो क्या होता है, वो कोशिका में जो सिस्ट बनता है उसको क्या करता है, कोशिका में जो लकी बनता है तो क्या होता है कि उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो कैंसर अगर किसी को होने वाला है उसको दूर करता है। फिर कहता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में क्या है कि ये जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, जिसके चलते क्या होता है कि ये जो एंटी जिसके चलते क्या होता है ये, और विटामिन सी भी पाया जाता है, जिसके चलते लेमन वाइल पीने के बाद, लेमन लेमन टी पीने के बाद सर्दी खांसी जुकाम तुरंत ठीक हो जाती है। फिर स्किन डिजीज जैसे है, स्किन डिजीज ये सबसे जैसे जिसका चेहरा जिसका फेस वाइली हो उसको खूब फायदा करता है, उसको खूब फायदा करता है। जैसे आकनी, जैसे मुहासा का डिजीज है, मुहासा है तो उसमें क्या है एंटीबैक्टीरियल इसमें गुण पाया जाता है, इसलिए मुहासा की बीमारी को ये दूर कर देता है। फिर है आपका इंसोमनिया, तो इसमें क्या है इंसोमनिया में क्या है कि अनिद्रा क्या होता है कि जब इसका चाय पीते हैं तो मांसपेशी और नर्व को ये शांत करता है, जिससे बहुत अच्छी नींद आती है। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है कि अब जब चाय पीते हैं तो किसी प्रकार का जो डिप्रेस हुए हैं तो उसको क्या के दूर करता है। एनेमिया, इसमें तो हम शुरू में ही बता दिए हैं कि इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन की कमी से एनेमिया की बीमारी होती है, तो उसको ये दूर करता है। इसको पीने के बाद क्या होता है काफ़ी ब्लड बनना शुरू हो जाता है। इंक्रीज मेमोरी पावर, इसमें क्या होता है मैग्नीशियम फास्फोरस वगैरह पाया जाता है, जिसके चलते क्या होता है मेमोरी पावर को बढ़ाता है। और साथ साथ क्या होता है कि जैसे आप किस ऐसे जिसका लीवर ठीक है लेकिन गैस वगैरह सूजन वगैरह नहीं हो और गैस बनता रहे हो कब जो हो तो उसका लेमन टी आप पी सकते हैं, पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए पी सकते हैं। जैसे स्तनपान करने वाली जो स्त्री है, अगर वो अगर वैसी महिला अगर लेमन टी पीती है तो क्या होता है कि दूध की मात्रा बढ़ जाती है और बच्चा स्वस्थ रहता है। बच्चा स्वस्थ रहने का क्या कारण है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण है, इसलिए बच्चा स्वस्थ रहता है, सर्दी खांसी वगैरह नहीं होती है। स्टूडेंट्स बस इतना ही, धन्यवाद।